आई सिक्स्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम था कश्मीर यूनिवर्सिटी का, दो सब्जेक्ट्स का, सोशियोलॉजी का और ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और रिलीजन एंड सोसाइटी। जब मैंने ये तीनों पेपर देखे आई गेट शॉक। क्यों मुझे शौक लगा, मैं भी किसी ज़माने में पेपर बनाता था। आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग सीधे नेट पे जाते हो, यूजीसी का नेट होता है, वहाँ से आप क्वेश्चंस कट करके पेस्ट सीधे करते हो बच्चों को। ये ग्रेजुएशन लेवल है। आप खुद सोचो, जितने भी आप प्रोफेसर कश्मीर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, क्या आपके बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं? वो तो सिर्फ बाहर पढ़ते हैं, वो कहीं भी और पढ़ते हैं। उनको अवेलेबिलिटी हर एक चीज़ की है, उनके पास बुक्स है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास लाइब्रेरी 24/7 है, हर एक चीज़ उनके पास फैसिलिटी है। लेकिन यहाँ J&K में बच्चे रहते हैं, पर्टिकुलर कश्मीर, कभी हड़ताल, कभी कर्फ्यू, कभी और कुछ, बहुत सारा इनका, और उसके बाद COVID-19, उनकी क्लासें नहीं हुई। मैं, आप जितने भी प्रोफेसर कॉलेजेस में हैं, कितने क्लासेस लेते हो आप लोग, बस इतना बता दो मुझे। आप लोगों ने पढ़ाया इतना डीप जितना आपने क्वेश्चन पेपर बनाया आज? चाहे क्वेश्चन पेपर एजुकेशन का था, चाहे क्वेश्चन पेपर इस्लामिक स्टडीज़ का था, चाहे क्वेश्चन पेपर आज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशियोलॉजी का था, या फंडामेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपने PG+ लेवल का क्वेश्चन पेपर डाला। मैं भी क्वेश्चन पेपर किसी ज़माने में बनाता था, लेकिन हमें क्या सोचना है, ये आपके बच्चे हैं, ये हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं। जिस लेवल का आप पढ़ाओगे उसी लेवल से आप एग्ज़ाम भी करो, उनकी परसेंटेज फिर डाउन हो जाएगी। इनका कंपटीशन अब सिर्फ कश्मीर में नहीं है, इनका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का होता है। फिर परसेंटेज के, मार्क्स के परसेंटेज पर इनका बहुत जगह पर एडमिशन भी होता है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाइए जो इनके लिए इजी पढ़े, जो जितना इन लोगों ने पढ़ा है, जितना आप लोग मेहनत करते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाएं। मैक्सिमम आपके बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़ते हैं, वो तो बाकी कंट्रीज़ में पढ़ते हैं या बाहर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, इन बच्चों को देखिए आप पढ़ाते क्या हो। आप खुद नहीं कर पाओगे ये सॉल्व, ये क्वेश्चन पेपर, अगर आप मतलब बुक आपके सामने नहीं होगी, अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे ये हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, बंद करें। अब बात करेंगे, मैंने अब बनाया है, अभी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बनाई है मैंने। हर एक स्टूडेंट से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने क्वेश्चन पेपर को सामने रखे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है ए सीरीज़ में, ये क्वेश्चन नंबर 16 होता है बी सीरीज़ में, या हो सकता है 31 क्वेश्चन नंबर सी सीरीज़ में, या हो सकता है 46 क्वेश्चन नंबर डी सीरीज़ में। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन नंबर 16 होगा ए सीरीज़ का, तो ये हो सकता है क्वेश्चन डी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1। इसलिए आप सामने क्वेश्चन रख के फिर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ए सीरीज का, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशियोलॉजी का है, ये ए सीरीज का है। क्वेश्चन नंबर 1, पीपल हैव सिमिलर इनकम और अलाइक इन अदर वेज सच एज एज, ऑक्यूपेशन, इसका आंसर आएगा सोशल क्लासेस, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्लास इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल विद सेम लेवल ऑफ इकोनॉमी, आंसर आएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द की डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्ट एंड क्लास, तो एंडोगैमी आएगा, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन ए मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की, ये ऑगनबर्ग और निमकॉफ ने डेफिनेशन दी, आंसर आएगा बी। हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड हायरार्की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट, ये M.N. श्रीनिवास का कंसेप्ट है, आंसर आएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रॉड मीनिंग ऑफ संस्कृतिजेशन, कल्चरल मोबिलिटी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन वैल्यूज, इसका आंसर आएगा टॉलकॉट पासन। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स वेबर्स अप्रोच टू स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ए थ्री डायमेंशनल एनालिसिस, थ्री डायमेंशनल है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स हैज M.N. श्रीनिवास एक्सप्लेन कास्ट मोबिलिटी एज ए प्रोसेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज, ये संस्कृतिजेशन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इकोनॉमिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा और सोशल क्लासेस दियर आफ्टर, इसका आंसर आएगा कॉल मार्क ए। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज इन द पोजिशन विदाउट द चेंज इन स्टेटस इज नोन एज, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल मोबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 12, द मूवमेंट ऑफ पीपल आर ग्रुप फ्रॉम वन सोशल स्ट्रेटा और पोजिशन टू अनदर स्ट्रेटा, उसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट्स आर्ग्यूड दैट स्ट्रेटिफिकेशन हैज कम इन टू बींग ड्यू टू फंक्शनल नेसेसिटी, ये किंग्सले डेविस ने दिया। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय कास्ट से होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच सिस्टम इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम, इसको आएगा क्लास सिस्टम। अब है क्वेश्चन नंबर 16, मीन्स
जो ए सीरीज है इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन जो ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपके सी और डी और बी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 31 भी हो सकता है, या क्वेश्चन नंबर 46 भी हो सकता है। आप चेक कर लीजिए किस पे है वो। अब है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू क्लास स्टेट एंड कास्ट, तो इसका आएगा हायरार्किकली अरेंज्ड स्ट्राटा। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स बिलोंग टू द फंक्शनल थ्योरिस्टिक वे, इसका आंसर आएगा किंग्स डेविस एंड मोर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशल क्लास, इट्स मेंबर्स हैव नो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फॉर द अदर, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच थ्योरी इज नोन एज फंक्शनलिस्टिक थ्योरी, डेविस एंड मोर की। क्वेश्चन नंबर 22, एन अनस्किल्ड वर्कर बिकम्स सेमी स्किल्ड, इसको कहते हैं इंट्रा जनरेशनल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, एन इंजीनियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अचीव्ड स्टेटस, ए। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो ये कास्ट की टर्म हुई है ये असल में पुर्तगाल वर्ड जो आया है कास्टा, सी ए एस टी ए, लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं, अब सी ए एस टी ई है लेकिन सी ए एस टी ए आता है, तो इसलिए आप सी पार्ट दे दीजिए, डी पार्ट दे दीजिए, ए एंड सी आंसर। 25th, which of the following theory models status that the system of rewards leads to B, system of stratification functionalistic theory, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बी पार्ट फंक्शनलिस्टिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 28, हु पॉइंटेड आउट दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज नीडेड टू एंश्योर इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड रोल परफॉर्मेंस इज डेविड एंड मोर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड नॉट स्ट्रेटिफिकेशन, इसको सेक्स कहते हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सपोर्टेड द व्यू दैट इनइक्वालिटीज is not only endemic but also necessary, तो functionalistic। अब जो ये 31 question number A series का हो है ये आप check कर लीजिए, ये आपको D series में question number 1 मिलेगा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 ए सीरीज का, ये डी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्या है 31, हु हैज़ प्रपोज्ड प्रॉपर्टी प्रेस्टीज एंड पावर, ये मैक्स वेबर ने दिया। 32, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसिस द कॉन्फ्लिक्ट प्ले अ पॉजिटिव रोल, ये लेविस कोजर ने दे दिया। 33, लोअर कास्ट ऑफ ट्राइब ट्राइंग टू एंटर इनटू द हायर कास्ट, इसको संस्कृताइजेशन भी कहते हैं, तो बी पार्ट आएगा संस्कृताइजेशन। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच एस्क्राइब्ड स्टेटस, ये आएगा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। 35, सोशल मोबिलिटी इज मोर प्रिवेलेंट इन द क्लास सिस्टम में। 36, कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय फिजिकल फोर्सेस। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी फीचर ऑफ कास्ट, इसमें डी पार्ट आएगा कॉमन एंसेस्ट्रल वर्शिप। 38, शेड्यूल 6th of the Indian Constitution is related with scheduled tribe, A part. 39th, the classification of intergenerational and occupational mobility and intragenerational occupational mobility is given by Sorokin ne de diya hai. Question number 40, according to the Max Weber, basis of stratification is class, status and power. Question number 41, which of the following is the most important characteristic of social stratification, wo differential ranking hai. 42, the basis of social stratification in traditional societies are varna and jati. 43, who defined classes in terms of their relationship to the instrument of production, ye कॉल मार्क का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, हायरार्की ऑफ हेरिडिटी एंडोगैमस इज ए कास्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द मूवमेंट अप एंड डाउन द सोशल लडार एंड नेसेसरली इन्वॉल्व चेंज इन सोशल स्टेटस इज ए वर्टिकल मूवमेंट। 46, अब देख लीजिए जो यहां पर 46 क्वेश्चन है, नॉन एन एलिमेंट ऑफ मार्क्सिज्म, तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर सीरीज, जो सीरीज ए बी सी और डी हो है, ये उसमें 31th क्वेश्चन हो सकता है, 16th क्वेश्चन नंबर हो सकता है, या क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, यहाँ पर ये 46th है। तो इसका आंसर जो आएगा द सोशल आर्ट आएगा लास्ट वाला। रैंकिंग ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन, ये 47th का आंसर आएगा। 48th, हु रोड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स ने दिया। 49th, देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास का कास्ट क्लास एंड स्टेट, ये 49th का आंसर। हु रोड द बुक एंटल कास्ट कास्ट एंड क्लास इन इंडिया है, यहाँ पर इसको गलती हो गई, कास्ट फिर इसने एंड नहीं लगाया है तो गौरी ने दिया है। उसके बाद 51st, तो हायरार्की इज डिटरमाइंड बाय बाइनरी अपोजिशन, तो ये कास्ट में होता है। 52 क्वेश्चन, विच इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, वो स्लेवरी सिस्टम में होता है। उसके बाद 53, सोशल
क्लास इज बेस्ड ऑन टोटल सोशल एंड इकोनॉमिक. सी पार्ट आंसर आएगा हु इज प्रोलिटेरियट ने वर्किंग क्लास को कहते हैं. ए पार्ट आएगा इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन चेंजेस इन द कोर्स ऑफ, इसको इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी आएगी. 56 हु सेड दैट द प्रोसेस ऑफ संस्कृतिकरण हैज प्रोवाइड सम सोशल मोबिलिटी, एम एन श्रीनिवास ने कहा. 57 द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज स्टडीड बाय सोशल डिफरेंसेज एंड इनइक्वालिटीज आएगा सी पार्ट. 58 ए सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वेयर पोजिशंस आर पार्शली अचीव्ड एंड मोबिलिटी, इसको क्लास कहते हैं. 59 ए सोशल सिस्टम इन विच सोशल पोजिशन इज फिक्सड फॉर लाइफ टाइम, इसको मैं आंसर आएगा कास्ट. द वर्ड स्ट्रेटिफिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम रॉक लेयर्स.